मधुमक्खी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अनंतपुर में रमा अपने पति और एक बेटी के साथ बहुत खुश थी। उसके पति अशोक का एक गैराज था। उन दिनों रोजगार भी बहुत अच्छा होता था। मानो घर का खर्चा निकालने के बाद भी खूब सारे पैसे बच जाते थे। रमा भी बहुत खुश थी। अजी सुनते हो? हाँ बोलो रमा। कल थोड़ा मंदिर होकर आते हैं। ठीक है चलेंगे, पर अचानक से मंदिर जाने को क्यों मन बना लिया? कल तो कुछ त्योहार भी नहीं। हमारी बेटी नम्रता का भाई आने वाला है, इसीलिए सोच रही हूँ कि भगवान के सामने माथा टेक कर आ जाऊं। क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। रमा 3 महीना पेट से थी और उसको यकीन भी था कि उसे इस बार बेटा ही होगा। पूजा पाठ सब कुछ कर ली, पर इस बार भी उसे एक बेटी ही हुई। रमा मन छोटा मत कर, बेटी हुई तो क्या हुआ, तू इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना देना। मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, मैं तो दुखी नहीं होती। कमला जी, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटियों से प्यार नहीं करती, पर मुझे हर हाल में एक बेटा चाहिए। हाँ, मेरी भाभी, मेरी तीनों ननंद, सबको बेटा है, फिर मुझे क्यों नहीं? मेरी बेटियां किससे राखी बांधेंगी? रमा और अशोक बेटे की उम्मीद करते करते उन्हें 4 बेटियां हो गए, पर फिर भी उन्हें अक्ल नहीं आई। रमा, शायद हमारे नसीब में लड़का लिखा ही नहीं है, अब और नहीं, बस करते हैं। मेरी अपनी मौसी 8 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा की। मेरी एक दोस्त को भी 6 बेटियों के बाद बेटा हुआ है, फिर हम क्यों रुक जाएं? पर रमा, इतने बच्चे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान दे रहे हैं तो उनका आशीर्वाद मानकर ग्रहण कीजिए। पालन पोषण सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। देखते ही देखते और 1 साल बीत गया और इस बार रमा और अशोक की मनोकामना पूरी हो गई। दोनों को एक बहुत ही प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखे किशन। आह मेरा लल्ला, तुझे किसी की नजर ना लगे। नम्रता, अनीता, संगीता, सुष्मिता, तुम चारों का एक ही काम है बस, कि अपने भाई को हमेशा दुलार करना, उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसे खरोच तक भी नहीं आनी चाहिए, समझे? चारों बहनें माँ पापा का कहना मानकर अपने भाई को पलकों पे बिठाए रखे थे। फिर एक दिन, रमा आखिर में एक बेटा कर ही ली तू, अब तो खुश है ना? हाँ कमला जी, अब तो मानो जैसे खुशियां ही खुशियां भर गई है हमारे घर में। अच्छा जी, आप फिर से कोशिश क्यों नहीं करते, शायद इस बार आपको भी बेटा हो जाए। ना बाबा ना, मेरी 2 बेटियां हैं, अब उन्हें ही एक अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा दूंगी। हाँ पर कमला जी, एक बेटा हो जाता तो मेरा राजा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, ये बड़ी कार में घूमेगा, परी जैसी लड़की से शादी करेगा। माँ, मुझे भी बड़ा होकर अफसर बनना है। हाँ हाँ, तू भी पढ़ लेना। रमा तो चाहती थी उसके सारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, पर अशोक के लिए इतना रोजगार करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए चारों बेटियां पास के सरकारी स्कूल में पढ़े और बेटा किशन एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने लगा। माँ, माँ, मुझे एक साइकिल चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही पापा को बोलती हूँ खरीदने के लिए। माँ, मैं 2 सालों से साइकिल मांग रही हूँ, मुझे तो नहीं दिए, मेरा स्कूल कितना दूर है यहाँ से, और किशन बोलते ही। अरे वो लड़का है, लड़का, उससे तो कभी ना कभी साइकिल चाहिए होगा, और तू क्या करेगी साइकिल का, ससुराल में चलाएगी, पगली।
चारों बहनें स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, पर अशोक और रमा इतने पैसे कहां से लाते भला। इसलिए बेटियों की पढ़ाई आधे से छुड़वा के उनके लिए रिश्ता देखने लगे। पर बेटा किशन की पढ़ाई एक बहुत ही अच्छी स्कूल में जारी रखे। साल पे साल बीतता गया और रमा अपनी चारों बेटियों के हाथ पीले कर दी। रमा, एक ग्लास पानी ले आओ। अब अशोक की उम्र हो गई थी, वो बार बार बीमार पड़ने लगा था, फिर भी बेटे की पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। पापा, मुझे फाइनल ईयर में 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख? बेटा, तुझे अभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी क्या? अगर तू नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी खत्म कर लेगा तो अच्छा होगा। क्या? तो फिर मैं पढ़ाई कब करूंगा और काम कब करूंगा? अगर पैसा नहीं दे सकते तो पैदा क्यों किए? किशन बेटा, गुस्सा मत कर, मेरे कुछ गहने हैं, मैं उन्हें बेच के तुझे पैसे दे दूंगी। ये आखिरी साल है ना, इसके बाद तो तुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, है ना मेरा लल्ला? दिन ब दिन अशोक की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। अब वो गैराज में काम भी नहीं कर पाता था और उधर दिल्ली में किशन को एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई थी। फिर एक दिन, माँ, माँ, किशन, हाय मेरा बेटा। बेटा, ये तेरे साथ कौन है? ये मेरी पत्नी स्वीटी है, हम दोनों दिल्ली में ही शादी कर लिए। शादी कर लिया और बताया भी नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आजा बहू, अंदर आ। देखिए सासू माँ, मैं सब कुछ क्लियरली बता देती हूँ कि हम दोनों यहाँ पे बस साल में 1-2 बार ही आ सकते हैं, क्योंकि किशन की जॉब है, मेरी जॉब है, हमें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा ये फालतू के ट्रैवल के लिए। अच्छा, हाँ बहू, तुम्हें जैसे सही लगे वैसे ही करना। पर बेटा किशन, पापा की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, उनके दवा पानी के लिए। ओहो माँ, हमेशा पैसों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हमारी शादी में बहुत खर्चा हो गया है और ऊपर से अभी अभी दिल्ली में एक घर खरीद लिया, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, तुमने घर खरीद लिया पर हमें बताया नहीं। ओहो पापा जी, आपको क्या हर एक छोटी छोटी बातों की अपडेट देते रहे हम? किशन को जब भी रमा पैसा मांगती थी वो हमेशा कुछ ना कुछ बोल के टाल देता था। फिर एक दिन अशोक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। माँ, मैं अब तक तुम्हें बहुत पैसे भेज चुकी हूँ, मैं तो कोई नौकरी नहीं करती जो हर महीने आपके मुंह से सुनते ही पैसे भेज दूंगी। नम्रता, पापा की तबीयत बहुत खराब है इसीलिए। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, पर पति से और कितने पैसे मांगूंगी? आगे की पढ़ाई करना चाहती थी मैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। कमला ताई जी की बेटियां स्नेहा और सरिता कितने आगे तक पढ़े और इतने अच्छे जॉब भी कर रहे हैं, आप तो बस किशन के पीछे ही लगे रहे, अब उसी से ही पैसे मांगिए। नम्रता की तरह रमा की बाकी 3 बेटियां भी पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाए। माँ, मैं कहां से पैसे लाऊंगा? तुम्हें पता है दिल्ली में खर्चा कितना होता है? दीजिए मुझे, मैं बात करती हूँ। सासू माँ, हमसे बार बार पैसे मांगना बंद कीजिए और जिस घर में रहते हैं उसे बेच के किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा और पापा का इलाज भी हो जाएगा। हम दोनों उस गांव में जाने वाले तो हैं नहीं, फिर क्यों पड़ा रहेगा वो घर? बहू, तुम हमारी घर बेचने को बोल रही हो? इतना इमोशनल ड्रामा की जरूरत नहीं, जो करना है करो, हम पैसे नहीं भेज सकते। रमा को घर बेचने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। फिर एक दिन, रमा चाची, माँ बोल रही थी आप ये घर बेचने को लोग ढूंढ रहे हैं? हाँ, अगर तुम्हारे नजर में कोई है तो जरूर बताना बेटी। रमा, और कोई क्यों,
हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं। मेरी दो बेटियां तुम्हारा ये घर खरीदने को तैयार हैं। तुम्हारी ये दो बेटियां घर खरीदेंगे? पर पैसे? चाची, दीदी और मैं दोनों नौकरी करते हैं। पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, आपको हम ज्यादा ही देंगे। मैं और दीदी ये सोच रहे थे कि माँ पापा की उम्र हो रही है, वो दोनों अकेले कैसे रहेंगे, इसीलिए हम ये घर खरीद लेंगे तो दोनों बहनें अपने पतियों के साथ यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ चाची, हम सब मिलके एक बिजनेस भी शुरू करने वाले हैं। रमा, मेरी दो बेटियाँ मेरे बारे में बहुत सोचती हैं, इसीलिए वो दोनों मिलके तुम्हारा ये घर खरीद लेंगे। जुग जुग जियो, काश मैं भी बेटे की उम्मीद ना रख के अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देती तो आज मुझे हमारा ये पुश्तैनी घर बेचना नहीं पड़ता। कुछ ही दिन में कमला की बेटियां रमा से उनका घर खरीद लिए और रमा अपने पति को साथ लेकर वृद्धाश्रम निकली। माँ, एक बात कहूँ? बोलो बेटी। माँ, पापा, मेरे जीते जी आप दोनों वृद्धाश्रम में रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप दोनों मेरे साथ मेरे घर पे चलिए। क्यों? माँ पापा मेरे साथ रहेंगे? अच्छा, तुम दोनों बड़े हो इसीलिए माँ पापा को ले लोगे? नहीं नहीं, वो दोनों मेरे साथ रहेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं माँ पापा का देखभाल करूंगी। चलिए माँ पापा, आप दोनों मेरे साथ रहेंगे। ऐसी बात है तो हम एक काम करते हैं, बारी बारी करके माँ पापा को अपने पास रख लेते हैं। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। रमा अपनी बेटियों से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर रो पड़ी। फिर रमा और अशोक उसी पल से बेटे के बारे में सोचना बंद करके बाकी की जिंदगी बेटियों के साथ हंसी खुशी बिता दिए। आज भी हमारे बीच ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहते हैं। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना ये कभी नहीं सोचते। मैं चंद्रमुखी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक हम लोग लड़का लड़की में अंतर करते रहेंगे, लड़कियों से उनका अधिकार छीनते रहेंगे, क्या ऐसे करना सही है? रमा को तो सबक मिल गया, अब देखना ये है कि बाकी लोग कब समझते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते। अरे ओ चंपा, कहाँ मर गई पता नहीं, कितनी बार बोला है मेरा चाय मेरे ही चांदी वाली कप में दो पर दूसरे कप में दे दी। सुबह सुबह गुस्सा दिला रही है मुझे। ए चंपा, ये बुढ़ी तो सुबह होते ही सर पे चढ़ के बैठेगी। का हुआ माँ जी, काहे चिल्ला रही हो? कितनी बार बोला है तुझे मेरी चांदी के कप में मुझे चाय देने के लिए? माँ जी, चाय तो मैंने ही भेजा था पर आपका चांदी का कप कल से नहीं मिल रहा मुझे। क्या, जमीन खा गई या आसमान निगल गया मेरा चांदी का कप? तुम दोनों सच सच बोलो, किसने चुराया है मेरा कप? पता नहीं माँ जी, दिख तो नहीं रहा मुझे कहीं पर। मेरे पुरखों की चांदी का कप था वो, तूने ही चुराया है, सच बोल नहीं तो तुझे घर से निकाल दूंगी अभी। माँ जी, आप हर बात पे मुझे क्यों गाली देते रहते हैं? तो किसने चुराया ए चंपा? नहीं नहीं माँ जी, हम गरीब लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। ज्योति की सास मालती हर चीज खो जाने पर उसे खूब गाली करती है और हमेशा उसे चोर बोलती रहती है। कभी कभी ज्योति भी बहुत गुस्सा हो जाती है पर कुछ बोल नहीं पाती बेचारी। फिर उस दिन शाम को ज्योति की सास गांव की औरतों के साथ पंचायती करने निकली। अरे रंभा, इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहनी है, नौकरानी को दे दे।
तू तो ऐसे बोल रही है जैसे नौकरानी को बहुत कुछ दे देती है। हाँ हाँ, मालती की नौकरानी चंपा तो रोज रोज अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है। हाँ, हम है ही खानदानी। हाँ, तेरी खानदान की तारीफ तू अपने मुंह से मत किया कर। सुबह होते ही तुम्हारे घर के झगड़े से पता चल जाता है पूरे गांव को। अरे क्यों ना झगड़ा करूं मैं, घर से रोज रोज सामान चोरी होता है। अरे ऐसा क्या चोरी हो गया तेरे घर से? मेरे पुरखों की चांदी की कप चोरी हो गई है। ये सारी चीजें मेरी बहू ही चुराई है। क्यों, तेरे घर पे काम वाली भी तो आती है, वो भी तो चोरी कर सकती है। अरे चंपा तो बचपन से ही हमारे घर पे काम करती है, वो बेचारी क्यों चोरी करेगी। हाँ हाँ मालती, तू एकदम सही बोल रही है। मैं बहुत सारे ऐसे ही बहुओं को देखी हूँ जो कीमती सामान चुरा के मायके भेज देती है। हाँ अच्छा छोड़ो, कल सुबह दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो जाना। और अगले दिन सुबह, चंपा, ए चंपा, इधर आ, मेरे पैर दबा दे। माँ जी, इस महीना तो पगार दे दो। कौन सा पगार, पिछले हफ्ते तो दिया था तुझे। नहीं माँ जी, वो पिछला हफ्ता नहीं था, 3 महीने पहले दिए थे। अब सुन, तू यहाँ पे 3 टाइम का खाना खाती है, मेरी बहू तुझे हर महीने अच्छी अच्छी साड़ियाँ दे देती है, फिर पगार क्यों चाहिए तुझे। पर माँ जी। माँ ये लो इस महीने के खर्चे के लिए पैसा, बैंक से थोड़ा ज्यादा पैसा निकाल दिया दुर्गा पूजा के लिए। ठीक है ला दे। विनोद माँ को महीने का घर का खर्चा देकर ऑफिस चला गया, पर मालती चंपा को उसकी पगार नहीं दी। और कुछ समय के बाद मालती पूजा की तैयारी करने लगी। चंपा, ए चंपा, मेरी चांदी की थाली कहाँ गई? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी पूजा करती हूँ। ज्योति, ए ज्योति, मेरी चांदी की थाली कहाँ गई? माँ जी, मैंने तो थाली पिछले 1 हफ्ते से नहीं देखा, मुझे लगा आप अलमीरा के अंदर रखे होंगे। अरे मेरी चांदी की थाली कहाँ गई? किसने चुराया मेरी पूजा की थाली? आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मालती को गुस्से से गाली करता देख चंपा और ज्योति वहाँ से चले गए। और तभी मालती की दोस्त बिजली और रंभा वहाँ पे आकर पहुँच गए। क्या हो गया मालती, हर दिन सुबह सुबह क्यों चिल्लाती रहती हो? आस पड़ोस के छोटे बच्चे भी डर के नींद से उठ जाते हैं। कैसे ना चिल्लाऊं, कल मेरा कप चोरी हो गया था, आज मेरी चांदी की थाली चोरी हो गई। आजकल के बहुओं पे क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। हाँ मुझे तो लगता है बहू ही सारा सामान चुरा के अपने मायके भेज देती है। नहीं मालती, बात का बतंगड़ मत बना, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है जो तेरी इतनी सुनती है। नहीं तो आजकल के जमाने में किसी को कुछ बोल दो तो एक पल भी नहीं लगता पलट के जवाब सुनने में। अच्छा एक बात बता, तू मेरी बहू की क्यों तरफदारी कर रही है? कहीं वो चोरी करके तुझे तो नहीं दे रही सारा सामान? इतनी शंकी मत बन मालती कि पीने का पानी भी जहर लगे तुझे। मेरी सलाह मान, सबके साथ अच्छा बर्ताव कर और असली चोर को पकड़, नहीं तो ऐसे ही रोज सुबह चिल्लाती रह जाएगी बस। सहेली रंभा अच्छे से समझाने के बाद भी मालती अपनी आदतों से बाज नहीं आई और पहले की तरह बहू को चोर चोर बोल के बहुत कुछ सुनाती रही। सामान तो घर से चोरी हो रही है, पर कौन कर रहा है ये चोरी, चंपा या फिर कोई और? आज से नजर रखनी पड़ेगी। अब ज्योति सब पे कड़ी नजर रखने लगी। फिर वो एक दिन चंपा को एक बैग लेकर घर से निकलते हुए देखी। अरे चंपा दीदी तो आते समय कोई बैग नहीं लाई थी, फिर जाते समय ये बैग कहाँ से आया? चंपा को पकड़ने के लिए ज्योति एक उपाय सोची। वो एक हीरे की अंगूठी को रोटी बनाते समय किचन में रख दी। चंपा दीदी आप थोड़ा रोटी बना दो, मैं कपड़े सुखा के आती हूँ। ज्योति कपड़े सुखाने जाने का झूठा प्लान बना के
किचन की खिड़की से चंपा पे नजर रखने लगी और तभी चंपा इधर उधर देख के चुपके से हीरे की अंगूठी को उठा के अपने पास छुपा दी और फटाफट रोटी खत्म करके, बहू रानी मुझे थोड़ा काम है, मैं 10-15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ चंपा दीदी आप जाओ। चंपा जैसे ही घर से निकली ज्योति भी छुप छुप के चंपा की पीछा करने लगी और चंपा चलते चलते एक छोटे से दुकान में पहुंची। क्या चंपा आज क्या चुरा के लाई है? ये ले एक हीरे की अंगूठी और सही सही दाम लगाना। हाँ मुझे दुर्गा पूजा के लिए बच्चों का कपड़ा जो खरीदना है। 1000 से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा तुम्हें। तब ज्योति छुपके ये सारी बातें सुन ली। अच्छा तो हमारी पुरखों की निशानी का सौदा यहीं पर हो रहा है। बहू रानी तुम दोनों को मैं पुलिस के हवाले करूंगी। ये चंपा और क्या क्या बेची है बताओ। नहीं नहीं मालकिन, चंपा कोई सामान बेची नहीं है, वो तो गिरवी रखने आती है। गिरवी? हाँ बहू रानी, जब से आपकी शादी हुई है माँ जी मुझे पगार देना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैं कुछ काम नहीं करती और खाना पीना तो मुझे मुफ्त में मिल जाता है, पर मेरे भी बच्चे हैं, उनका स्कूल का खर्चा, खाना पीना, कपड़ा सब मुझे ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना घर चलाने के लिए सामान गिरवी रखी हूँ और माँ जी पगार देते ही वापस सामान छुड़ा लूंगी। मुझे माफ कर दो बहू रानी, मैं मजबूर थी। अच्छा तो ये बात है, मैं कुछ करती हूँ, चलो घर चलते हैं। ज्योति उस दुकानदार से उनके घर का सारा सामान छुड़ा के घर ले गई। फिर शाम को विनोद को सारी बातें बताई और दोनों मिलके एक अच्छा प्लान बनाए। आप एक काम करो, आज से माँ जी को महीने का खर्चा देना बिल्कुल बंद कर दो। अगले महीने विनोद घर का सारा सामान खुद खरीद लाया और माँ जी को एक भी पैसा नहीं दिया। ए विनोद, बीवी आते ही बदल गया तू, अब बीवी की हाथ में पैसा देने लगा है हा? अरे माँ जी आप गलत सोच रहे हैं, आपके पास तो पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, फिर खाना पीना दवाइयाँ ये सारी चीजें तो टाइम पे मिल जाती है, फिर आपको क्यों पैसे चाहिए? चुप कर, मुझे खाने पीने पहनने की अलावा भी पैसों की जरूरत है, मुझे घर का बहुत सारा काम देखना पड़ता है। माँ अगर तुम्हें महीने के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, चंपा दीदी के भी 2 बच्चे हैं, उसे भी तो पगार चाहिए होगा, है कि नहीं बताओ। हाँ माँ जी, उसको बस 3 टाइम खाना और एक पुराना साड़ी दे देने से उसके बच्चों का पेट नहीं भर जाएगा। बहू और बेटे की बातें सुनकर मालती को अकल आ गई। अब से चंपा को सही टाइम पे पगार मिलने लगा और घर का सामान भी चोरी होना बंद हो गया। हमें खुद को दूसरों की जगह पे रख के थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। अरे बहुत हो गया खाना पीना, अब लड़की को तो बुलाइए। कुसुम बेटी इधर आओ। नमस्ते। नमस्ते, बैठो बेटी। आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद आई और हम लेने देने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हाँ हाँ एकदम सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो हम मांगने वालों में से नहीं हैं, पर आप अपने बेटी को जो चाहें दे सकते हैं। मतलब? मतलब यही जो आजकल चल रहा है, 5-6 लाख कैश, घर के सारे सामान और जमाई को एक कार। जी हम नहीं मांग रहे, ये सब देना तो बनता ही है, क्यों मिश्रा जी बोलिए कुछ। हाँ हाँ ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, वैसे आजकल लोग तो जमीन के साथ मर्सिडीज भी दे देते हैं, क्यों? हाँ आस पड़ोस में लोग पूछेंगे जरूर, शर्मा जी की बहू क्या क्या लाई है वगैरह वगैरह, बोलने के लिए ये सब मिलना तो चाहिए। पर भाई साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं मुश्किल से बस 2 लाख नगद कैश दे सकता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। मिश्रा जी। अरे तिवारी जी ऐसा रिश्ता आपको बार बार नहीं मिलेगा, घर जमीन सब गिरवी रख के बेटी विदा कर दीजिए, रानी बन के रहेगी। हाँ आप ये क्या बोल रहे हैं मिश्रा जी, कहाँ से आएगी जमीन? बस मिश्रा जी बस,
आपने तो बोला था लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पैसे रखे होंगे, पर ये लोग तो भिखारी निकले। चलो जी। हाँ हाँ चलो। हर संडे को कुसुम के लिए रिश्ता आता है, पर मुंह मांगी कीमत देने में कुसुम के पिताजी सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए हर बार रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट जाता है। फिर अगले संडे को, तिवारी जी मैंने बताया था ना, फुलचंद जी सरकारी नौकरी करते हैं, महीने का 20,000 कमा लेते हैं और साइड इनकम भी अच्छा खासा हो जाता है अलग से। अच्छा मिश्रा जी, आपने तो बताया ही होगा फुलचंद हमारा एकलौता लड़का है, हम इसकी शादी तो बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं। हाँ हाँ सब बता के रखे हैं, बस लेन देन की बातचीत हो जाए तो अगली मई में फूलचंद जी घोड़ी चढ़ेंगे। वो सब तो बात की बात है, पर जो गुड़गांव में जमीन की बात हुई थी बस वो खरीद के दिलवा दीजिए। जमीन? जमीन तो हमारी बस की बात नहीं। देखिए हमारी कुसुम बहुत पढ़ी लिखी है, आईएएस की तैयारी भी कर रही है। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? जी हम एमएससी किए हैं फिजिक्स में। साइंस? हम तो बीए करके सरकारी नौकरी करते हैं, वो भी कलेक्टर के ऑफिस में। और इस बुड्ढे को देखो, ऐसे चौड़िया रहे हैं जैसे उनकी बेटी कलेक्टर साहिबा है। मिश्रा जी हमारा अपमान करने लाए थे यहाँ पे, अगली बार से रिश्ता हमारे हैसियत के हिसाब से लाना। माँ मुझे शादी नहीं करनी, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, आगे और पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। हमारा समाज ऐसा ही है बेटी, चाहे जितना भी पढ़ाई कर लो शादी का पहले ही पूछेंगे। मैं इस खोखली समाज को अच्छे से जान गई हूँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। दहेज के कारण बार बार शादी टूटने पर कुसुम खुद को बहुत स्ट्रांग बना ली और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में लग गई। अरे वो देखो तिवारी की बेटी कुसुम जा रही है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। देखते हैं जवान बेटी को कितने दिन तक गले पे बांध के रखेंगे। कुसुम बेटा सुनिधर। जी चाची। कब हो रही है शादी तेरी? नहीं चाची मैं अभी शादी नहीं करूंगी, पढ़ाई करूंगी और अपने पैरों पे खड़ी होंगी, उसके बाद शादी का सोचूंगी। पर उम्र थोड़ी रुक जाएगी? नहीं पर एक अच्छा पति और सच्चा घर जरूर मिल जाएगा। कुसुम अब दिन रात कड़ी मेहनत करके एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगी। बेटी ये ले दही खाकर जा, परीक्षा बहुत अच्छा होगा। ठीक है माँ। कुसुम यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर ली और उसका इंटरव्यू भी खत्म हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद, देखिए हमारा लड़का रेलबाई में काम करता है, सरकारी नौकरी है और महीने का 18,000 तनख्वाह भी है। हमारे राकेश के लिए काफी बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे और वो सब 20-25 लाख तक देने के लिए तैयार थे, पर हम वैसे नहीं हैं। हम 20-25 लाख कभी नहीं मांगेंगे, हमें तो सिर्फ 10 लाख मिल जाए और आपकी ये फूल जैसी बेटी। माफ करना बहन जी, हमारे पास दहेज देने के लिए इतने रुपए नहीं हैं। मिश्रा जी क्या आप पहले से कुछ बात नहीं किए थे? हमें यहाँ पे बुला के हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? अरे बहन जी थोड़ा सब्र कीजिए, बात करते हैं हम। जी बहुत हो गया, चलिए चलिए दूसरे जगह भी जाना है हमें। तिवारी जी आपकी बेटी का ऑफर लेटर आ गया, अब तो बिटिया रानी कलेक्टर साहिबा बनेगी। क्या कलेक्टर? कलेक्टर? हमारी बहू कलेक्टर है। अरे ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को ही मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह किसी को इतनी जल्दी रंग बदलते पहले कभी नहीं देखा था। शादी तो मैं जरूर करूंगी, पर आप जैसे लालची बहरूपियों के खानदान में नहीं, हमारे जैसे किसी नेक घर में करूंगी।
अरे बेटा, गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों, आपको अभी देर नहीं हो रही है दूसरा रिश्ता देखने के लिए? मिश्रा जी, इनकी कीमती समय बर्बाद हो गया, इसलिए हमें माफ कीजिए। और हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक महीने बाद, अरे फूलचंद, नए कलेक्टर आए हैं, सारे फाइल रेडी करके उनके टेबल पे रख दो। ठीक है सर। कम इन। अरे कुसुम। अरे आइए आइए, आप वही है ना फूलचंद त्यागी, बीए पास? जी। हाँ, जी नहीं, मैडम जी। खुद के जिंदगी की मूल्य को पहचाने, कड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें, जिससे आपको कभी गलत चीजों से समझौता ना करना पड़े। शंकर और रुचि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। नहीं, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, वो लड़की हमारे खानदान की बहू बनने की लायक नहीं है। हाँ बेटा, रुचि इतनी पढ़ी लिखी है, हमारे घर का तौर तरीका नहीं समझ पाएगी, और हमारे खानदान में इतनी मॉडर्न लड़की बहू नहीं बनते, बिरादरी में नाक काट देगी हमारी। माँ बाप इतना रोकने के बाद भी शंकर नहीं माना और मंदिर में जाकर रुचि से शादी कर ली। तुझे इतनी बार समझाने के बाद भी इस बर्बादी के जड़ को घर ले आया, अब हम बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां संस्कार नहीं जानते। हाँ देखो देखो, बिना घूंघट के कैसे खड़ी हुई है बेशरम, अब बर्बाद कर देगी हमारी पुरखों की परंपरा को। ऐसे जो मन में आया सब सुना दिए शंकर के माँ और बाबूजी। फिर शंकर, माँ रुचि गलत लड़की नहीं है, आप लोग थोड़ा टाइम तो दो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी पड़ोसी आज तक किसी के खुशी में कभी खुश हुए हैं, जो अब होंगे उनका तो काम ही है बोलना। शंकर जैसे तैसे करके माँ बाबूजी को थोड़ा मना लिया, फिर दोनों पति पत्नी अपना संसार शुरू किए। ऐसे तो पढ़ी लिखी बहू बोल बोल के ताना मारने घर पे रोज कोई ना कोई आ जाता था। वाह मेनका, तेरी हाथ की चाय की तो बात ही कुछ और है, दिल खुश हो गया। वैसे तेरे बहू से तो तू कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकती, बहुत पढ़ी लिखी जो है, घर का काम थोड़ी करती होगी। रुचि घर का जितना भी काम कर ले, पर ताना तो घूम फिर के उसके पढ़ी लिखी होने पर पड़ता था। फिर एक दिन, और मेनका आंटी क्या बात है, कैसे हैं आप? सुना है आपकी बहू वेरी एजुकेशन है। नमस्ते संध्या दीदी, वेरी एजुकेशन नहीं, उसे एजुकेटेड बोलते हैं। या आई मीन द सेम, यू हेयर स्टडिंग? अरे दीदी, यू हेयर स्टडिंग नहीं, वेयर हैव यू स्टडीड? इट सीम यू नोइंग बेटर। हम हिंदी में ही बात करते हैं संध्या दीदी। अरे वाह रुचि, तू तो बहुत अच्छा अंग्रेजी जानती है, मुझे भी पढ़ी लिखी बनकर अंग्रेजी में बात करने का बहुत मन था, पर हमारे यहाँ, खैर छोड़ो, मेरी बेटी को तू थोड़ा गाइड करेगी पढ़ाई में? पर छोड़, तेरी सास ससुर कहाँ मानेंगे। अरे क्यों नहीं, हमारी बहू पढ़ी लिखी है इतनी, तेरी बेटी को भी हमारे घर भेज दे, यहीं पर बहू ट्यूशन दे देगी। सासू माँ संध्या की बात टाल नहीं पाई और उसकी बेटी को ट्यूशन के लिए घर बुला लिए। देखते ही देखते संध्या की बेटी स्कूल में बहुत अच्छा मार्क्स लाने लगी और धीरे धीरे उस कॉलोनी के सारे माँ बाप रुचि को ट्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, और रुचि की सास ससुर भी कॉलोनी में किसी को कैसे मना कर पाते। माँ जी, घर पे बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, जगह भी नहीं होता सही से बिठाने के लिए। तो उनको इतना ध्यान देकर मत पढ़ाया कर, बुरे मार्क्स लाएंगे तो उनके माँ बाप अपने आप भेजना बंद कर देंगे। पर माँ जी ये तो गलत है।
रुचि के पास धीरे धीरे इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए कि उसको बहुत सारे कोचिंग सेंटर से कॉल आने लगा। रुचि तो हर एक को मना कर देती थी। फिर एक दिन, रुचि तुमने मुझे बताया नहीं। क्या बात है? आसपास के कुछ कोचिंग सेंटर वाले मेरे ऑफिस आ गए थे। आधे तो मुझे रास्ते पर ही इंतजार करते हैं। अच्छा, अगर वो लोग तुम्हें कोचिंग सेंटर में पढ़ाने बुला रहे हैं तो तुम मना क्यों कर रही हो? बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, पर माँ जी बाबू जी उनको क्या बोलूंगी? अरे तुम उनकी छोड़ो, मैं बात करता हूँ। जब शंकर अपने माँ बाबू जी से रुचि कोचिंग सेंटर में पढ़ाने की बात करने गया तब बाबू जी और माँ बहुत गुस्सा हो गए। अब हम बहू की कमाई खाएंगे, बाहर के लोग कैसे कैसे बात करेंगे, बेशर्मी की हद होती है। हमारे घर की बहुएं बाहर नहीं जाया करते और रुचि तो हरगिज नहीं जाएगी। हाँ, अब शंकर जितना भी कोशिश किया समझाने को नाकामयाब रहा। फिर, रुचि तुम चिंता मत करो, मुझे एक अच्छा आइडिया मिला है। क्या? तुम रोज सुबह मंदिर जाने के लिए निकल जाओ और 2 घंटा ट्यूशन देकर आ जाओ। आखिर में शंकर ने रुचि को कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए मना ही लिया। फिर रुचि अब रोज सुबह मंदिर जाने का बहाना बनाकर कोचिंग सेंटर में 2 घंटा ट्यूशन देने लगी। ऐसे कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन, रुचि रुचि। हाँ माँ जी। हमारे रिश्तेदार में एक शादी है, बाबूजी और मैं रात को खाना खाकर ही आएंगे। तुम शंकर और तुम्हारे लिए ही खाना बनाना। ठीक है माँ जी, अपना ध्यान रखना। शंकर के पिताजी और माँ शादी पे निकल गए। क्या बात है संग्राम जी, बहुत चमक रहे हो आजकल। अरे चमके क्यों ना, उनकी बहू जो इतना कमाती है। देखा, अब यही सुनना बाकी रह गया था, इसीलिए मैंने 1000 बार मना किया था ये ट्यूशन व्यूशन शुरू ना करने को। अरे घर पे ही तो ट्यूशन पढ़ा रही है, इसमें कौन सी बुरी बात है? कैसी चल रही है कोचिंग सेंटर? क्या बताऊं आपको, वहाँ पे तो रोज पढ़ाई के नाम पे बस पैसा लूटा जा रहा है। सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ पाएंगे, गरीबों का तो सोचो ही मत। अब तुम काफी पॉपुलर हो चुकी हो, 90% बच्चे तो तुम्हारे पढ़ाई के लिए ही आते हैं। क्यों ना तुम अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलो और गरीब अमीर सारे बच्चों को पढ़ाओ। मुझे तो बहुत मन है, पर इतना सारा पैसा और माँ बाबूजी ये सब सोचकर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं माँ बाबूजी को जैसे तैसे मना लूंगा। बाकी रही बात पैसों की, तो उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। इधर शंकर और रुचि कोचिंग सेंटर प्लानिंग कर रहे हैं और उधर उसके माँ बाबूजी शादी अटेंड करके वापस आते समय रोड पे लगी हुई पोस्टर में अपनी बहू की फोटो देख लेते हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरे ये तो रुचि की फोटो है, इतनी बड़ी बड़ी फोटो है भगवान। अच्छा तो लगता है ये रोज मंदिर का बहाना बनाकर पढ़ाने जाती है। आज खबर लेती हूँ उसकी, चलो घर चलो अब। शंकर शंकर, अभी इस बेढंग औरत को घर से निकाल दे। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ, ये रोज मंदिर जाने का बहाना बनाकर कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है, इतना बड़ा बड़ा फोटो लगाए हैं भरे बाजार में। हे भगवान, लोग क्या क्या सोचते होंगे। हाँ तो इसमें गलत क्या है माँ? शंकर अपने माँ बाबूजी को फिर से समझाने की कोशिश की, पर इस बार वो दोनों नहीं माने। फिर बेटा और बहू को घर से निकल जाने को बोल दिए। बहुत हो गया, अब तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। नहीं चाहिए हमें ऐसा बेटा जो अपनी घर की मर्यादा को तोड़ दे। फिर शंकर और रुचि अपना सामान पैक करके घर से निकल गए। देखिए ये संध्या दीदी का घर है, क्यों ना हम आज रात यहीं पर गुजार लें, फिर कल सुबह कोई किराए का घर देख लेंगे। पर इतनी रात को संध्या दीदी के घर, क्या सोचेंगे वो लोग। शंकर और रुचि ना चाहते हुए भी संध्या दीदी के घर चले गए। अरे रुचि शंकर, व्हाट हैपेंड, तुम लोग इतनी रात को, सब ठीक तो है ना?
फिर शंकर और रुचि ना चाहते हुए भी घर की बात संध्या को बताना पड़ा। और संध्या के पति, कोई बात नहीं शंकर, ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल ही गलत काम नहीं है। और तुम दोनों जब तक चाहो हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हो। फिर शंकर और रुचि संध्या दीदी के घर पे कुछ दिन तक रुक गए। फिर एक दिन, रुचि एक अच्छा घर मिला है, एकदम स्कूल के पास है, चलो संध्या दीदी से बात करके कल सुबह निकल जाते हैं। ठीक है। अगले दिन शंकर और रुचि संध्या को धन्यवाद देकर अपने किराए के मकान पे चले गए। वो मकान तो काफी दिनों से बंद पड़ा था और बहुत धूल मैल भी जम गया था। फिर रुचि साफ सफाई करके दो दिन में पूरा घर का नक्शा बदल डाली। रुचि एक गुड न्यूज है। क्या बात है? अरे हमने जो लोन अप्लाई किया था वो सैंक्शन हो गया। अगले हफ्ते 5 लाख मिल जाएंगे। अब तो हमें कोचिंग सेंटर के लिए एक अच्छा सा घर देख लेना चाहिए। आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने पास में एक अच्छा सा घर देख के रखा है। एक हफ्ते में शंकर का अप्लाई किया हुआ लोन का पैसा आ गया और पति पत्नी दोनों कोचिंग सेंटर का काम स्टार्ट कर दिए। कुछ बच्चे भी उनके कोचिंग सेंटर में ज्वाइन हो गए। फिर एक दिन, अरे आज तो अप्रेजल का लेटर आने वाला है। हाँ हाँ देखते हैं कितना तरक्की होगा, 10% हो जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा सच में। अरे ये क्या है? पता नहीं सुबह सुबह ये क्या। शंकर तुम्हें कुछ आइडिया है? नहीं, चलो मीटिंग में चलते हैं, पता चल जाएगा। ऐसे अचानक एक मीटिंग बुलाकर शंकर के एम्प्लॉयर कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा है ये बोलकर 20 लोगों को काम से निकाल दिए। फिर शंकर दुखी होकर घर वापस आया। क्या बात है? समझ नहीं आ रहा क्या होगा अब। क्या हुआ बोलो ना। पूरा साल इतना काम किया, कंपनी को इतना अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, फिर भी आज पूरी टीम को काम से निकाल दिए। क्या? पर ये तो गलत है। हाँ पर बोल भी नहीं सकते कुछ, अब क्या होगा, लोन का EMI, घर का रेंट, ये सब कैसे मैनेज होगा। आप थोड़ा पेशेंस रखो, सब सही हो जाएगा। एक तरफ शंकर की जॉब चली गई है और दूसरी तरफ रुचि की कोचिंग सेंटर भी अभी अभी शुरू हुआ है। पति पत्नी दोनों को अब घर के खर्चे के अलावा लोन EMI भी देना है। फिर एक दिन, बाबूजी माँ अंदर आइए। पड़ोसी तुम्हारे बारे में बोल रहे थे, क्या हुआ? मैंने बोला था ना बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ। देख बेटा, अब रुचि तेरी जॉब छुड़वा के खुद अपना काम शुरू कर दी और तू दिन भर घर पे बैठ के बस खाना बनाएगा अब। पर माँ मुझे नौकरी से निकालने में रुचि का क्या लेना देना है? लेना देना है बेटा, घर की औरतों को ऐसे बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, अपशगुन होता है। जो होना था हो गया, अब तू रुचि को छोड़कर हमारे साथ घर चले आ, तेरी दूसरी शादी करवा देंगे हम। हाँ माँ बाबूजी दोनों शंकर को अपनी बात मनाने की पूरी कोशिश किए पर शंकर नहीं माना। नहीं माँ, रुचि बहुत समझदार है, ट्यूशन पढ़ा के ठीक ठाक कमा भी लेती है, वो मुझे छोड़कर भी जा सकती थी पर उसने तो ऐसा नहीं किया, फिर मैं कैसे छोड़ दूं उसे। शंकर से बार बार ना सुनने के बाद माँ बाबूजी दोनों गुस्सा होकर वहां से चले गए। और शाम को, सुनिए आज कोचिंग सेंटर का पहला इनकम आया है, ये लीजिए 12,500 रुपए। 12,500 में क्या होगा, हमें तो लोन का EMI भी देना है ना। मेरे कुछ गहने हैं जो मैं रोज तो पहनती नहीं हूँ, आप वो सब गिरवी रख के कुछ पैसे ले आइए, उसमें 3 महीने का EMI तो दे ही सकते हैं हम। पर तुम्हारे गहने गिरवी रखकर? देखिए मेरा असली गहना तो मेरा एजुकेशन है जो मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता, फिर ये दिखावे वाली गहनों की क्या जरूरत है। पर वर कुछ नहीं, आप गहने गिरवी रख के 3 महीने का EMI दे दीजिए और तब तक मैं कुछ करती हूँ। शंकर के पास और कुछ भी चारा नहीं था, वो आखिर में रुचि के गहने गिरवी रखकर EMI चुकाने लगा।
और दूसरी तरफ रुचि अब सुबह शाम दोनों टाइम ट्यूशन देने लगी। फिर कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स को अपने कोचिंग सेंटर में अपॉइंट कर ली। आपको पता है हमारे सेंटर में अब मेरे अलावा और भी 5 टीचर्स हैं। अब हम पूरे सब्जेक्ट्स की कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को। और उनकी तनख्वाह? अरे बच्चे भी तो बड़ी तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं। आज तो 9 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए। अच्छा? हाँ, और मैं चाहती हूँ आप भी कल से कोचिंग सेंटर आ जाइए। वहाँ पे हमें एक मैनेजर की भी तो जरूरत है। अगले दिन से शंकर कोचिंग सेंटर गया और वहाँ का मैनेजमेंट संभालने लगा। ऐसे रात दिन मेहनत करके पति पत्नी अपना कोचिंग सेंटर को एक अच्छा नाम दे दिए। अरे क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है रुचि, इस महीना लोन EMI, सारे टीचर्स का पेमेंट, सेंटर का रेंट, इलेक्ट्रिक बिल और अलग एक्सपेंसेस के बाद भी हमारे पास पूरे 1,25,000 बचे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। पति पत्नी दोनों का एक साथ पूरी लगन से काम करना और रुचि का सही तरीके से पढ़ाना मानो दोनों की तकदीर ही बदल डाली। अब रुचि उस टाउन में बहुत फेमस हो गई थी, पर वो फेमस होने के बाद भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और सारे गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे रुचि की अच्छाई चारों तरफ फैल गई और उसके सास ससुर को भी बहुत सम्मान मिलने लगा। फिर एक दिन, बहू हमें माफ कर दो, परंपरा की आड़ में हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। असली आदर सम्मान तो एजुकेटेड होने पर ही मिलता है। हाँ बहू, अब हम तो यही कहेंगे कि हर एक लड़की एजुकेटेड होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक मजेदार कहानी के साथ। नमस्ते।